जादुई फूल। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, भोला और नाथू। वे दोनों काफी गरीब थे। वे हमेशा किसी न किसी काम की खोज में लगे रहते थे। एक दिन गांव के वैद्य जी ने कहा, मुझे इलाज करने के लिए जंगल से औषधियां लानी पड़ती हैं, पर जंगल से औषधियां लाने में काफी ज्यादा मेहनत और समय लगता है, और मेरे पास इतना समय नहीं होता है। इसलिए अगर तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। उन दोनों के पास काम नहीं था, इसलिए उन्होंने भी झट से हाँ कर दिया। फिर वे हमेशा जंगल में जाते और औषधियां ले आते। एक दिन जब वे जंगल से लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा साधु पड़ा दिखाई दिया। भोला ने उसके पास जाकर देखा और नाथू से बोला, अरे ये तो बीमार है, हमें इन्हें औषधि देनी चाहिए। परंतु हमें ये औषधियां वैद्य जी को देनी है, अगर नहीं दी तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, नाथू को समझाते हुए बोला। अरे नाथू, हम और औषधि ढूंढ लेंगे। अब इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा, पर किसी बीमार की सहायता भी हो जाएगी। और फिर उन्होंने उस साधु को औषधि दे दी और अपना खाना भी उसे खिलाया। इस पर साधु बोला, धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। तुम भले इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहता हूँ। ये रास्ता तुम्हें एक जादुई खेत तक ले जाएगा। उस खेत में फूलों के पौधे हैं। उन पौधों को पानी डालने के बाद जब उन पर धूप पड़ती है तो वे फूल सोने के फूलों में बदल जाते हैं। वे दोनों उस रास्ते पर चल पड़ते हैं और चलते चलते खेत तक पहुंच गए और वहां पहुंचकर पौधों को पानी डाला, जिससे धूप पड़ने पर धीरे धीरे उनके फूल सोने में बदलने लगे। पर उन्होंने देखा कि खेत के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ है और ज्यादातर पौधे उसी की छाया में उगे हुए हैं, इसलिए उन पर धूप नहीं पड़ रही है। इस पर नाथू बोला, चलो चलो भोला, इस पेड़ को काट देते हैं और सारे फूलों को सोने के फूलों में बदल देते हैं। नहीं नाथू, तुम इस पेड़ को देखो, इस पर कितने सारे घोंसले हैं और बहुत सारे छोटे जीवों का घर है, और इसकी ठंडी छाया में बहुत से जीव जंतु रुकते भी होंगे। यह अकेला पेड़ बहुत से जीवों का सहारा है। अगर हमने इसे काट दिया तो इन सब के घर बर्बाद हो जाएंगे। हमें थोड़े से धन के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भोला ने अपने हिस्से के सोने के फूल लिए और चला गया, क्योंकि उसने सोचा कि कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए इतना काफी होगा। भोला के जाने के बाद नाथू ने पेड़ की एक बड़ी डाली काट दी, जिससे और ज्यादा पौधों पर धूप पड़ने लगी। लेकिन जब नाथू ने पौधों को पानी डाला तो उनमें से कोई भी फूल सोने में नहीं बदला, और जो सोने के फूल उसको पहले मिले थे वो भी साधारण फूल में बदल गए। उसने और फूलों को पानी दिया, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं मिला, और दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी बरगद का पेड़ बोलने लगा, तुम इसी के हकदार हो, क्योंकि तुम लालची और स्वार्थी इंसान हो। तुम्हें पेड़ की कीमत नहीं पता है। सांस लेने के लिए मैं तुम्हें शुद्ध हवा देता हूं, खाने के लिए फल देता हूं, बैठने के लिए ठंडी छाया देता हूं, और तुम्हारे फैलाए प्रदूषण को कम करता हूं। लेकिन फिर भी तुमने और सोने के फूलों के लिए मेरी डाली को काट दिया और इतने सारे जीवों के घरों को बर्बाद कर दिया। इसलिए ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ दयालु और समझदार लोगों के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।